हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है ब्रीफ आउटलाइंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड अफिनिटीज़ ऑफ माइनर फाइला। और इस माइनर फाइला में आपको किस किस के डिस्कस करने हैं, तो फर्स्ट जो है फाइलम टीनोफोरा, रोटीफेरा और एकेंथोसिफेला। इस थ्री को हम कंटिन्यूस एक अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे, जितने भी ये अलग दिए गए हैं। तो फर्स्ट जो आज हम टॉपिक लेंगे वो एफिनिटीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइलम टीनोफोरा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अलग अलग पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर फाइला इज बेस्ड ऑन द टू फैक्टर। ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो स्पीसीज़ या जो फाइलम है वो इसको हम मेजर या माइनर फाइला में रखेंगे, ठीक है। तो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, अगर एक है तो दूसरे का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक रहता है तब भी उसको हम माइनर में रख देंगे, मेजर में तब रखेंगे जब ये दोनों फैक्टर उसमें हो। तो फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स, कि कितने ज़्यादा नंबर रहेंगे और कितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं तब उसको हम मेजर कहेंगे, मेजर फाइला कहेंगे। अगर वो कम है तो माइनर फाइलम हो जाएगा, ओके। देयर पार्टिसिपेशन इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, मतलब वो जो इंडिविजुअल स्पीसीज़ हैं वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड अफिनिटी ऑफ माइनर फाइला टीनोफेरा की हम बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स दे हैव टू बॉडी लेयर, ठीक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, ठीक है। मेरीन होते हैं बेसिकली एंड मेटोजोन्स, ये मेटाजोन्स होते हैं विदाउट निमेटोसिट्स, इसमें कोई निमेटोसिट्स नहीं पाया जाता है, निमेटोसिस्ट नहीं पाया जाता है। विद द एडहेसिव कोलोब्लास्ट, इनमें कोलोब्लास्ट पाया जाता है निमेटोसिस्ट के जगह पे, किस क्या पाया जाता है, कोलोब्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। एंड और इसमें मेरिडिनल सिलेटेड कॉम प्लेट्स पाए जाते हैं, देर आर 8 प्लेट्स, कॉम प्लेट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम टीन्स भी कहते हैं या सिटनी भी, सिटीन्स भी कहते हैं इसको, स्पेलिंग इस तरीके सिटीन्स या टीन्स कहते हैं इसको, ये 8 प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर स्फेरिकल इन शेप एंड बॉडी स्फेरिकल होती है एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। द माउथ लाइज एट द वन एंड, और जो बॉडी होती है स्फेरिकल होती है एंड डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। जो माउथ पार्ट्स होता है, माउथ रीजन होता है, ओरल पोल पे होता है एंड सेंस ऑर्गन एट द अपोजिट एंड, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो एबोरल पोल पे होते हैं, ठीक है। कॉम प्लेट्स की बात करें तो 8 इक्वली स्पेस्ड रोज ऑफ पैडल प्लेट्स अरेंज ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी एंड आर यूज्ड इन स्विमिंग। एंड 8 प्लेट्स होती हैं, सिलिएटेड प्लेट्स होती हैं, जिसे कॉम प्लेट कहते हैं एंड इसीलिए इसको टीनोफेराज में रखा गया है, टीनोफेरा नाम भी दिया गया है बिकॉज ये टू वर्ड्स से मिलकर बना है। फर्स्ट इज आपका टीनोज, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ये टीनोफोरा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका स्पेलिंग ये होता है टीनोज means calm and force मतलब आपका होता है bearing, यानी comb bearing होते हैं, comb आपने देखा होगा इस तरीके से, ciliated का ही एक part होता है इस तरीके से, comb आपके घर में जो use करते हो तो उसी तरीके से structure होता है, इसलिए इसको comb plates कहते हैं। and there are 8 plates जो कि used होते हैं swimming में। And the comb rows are composed of a series of short ciliary plates or teens. इसको teens भी कहते हैं, ciliary plates को। And the cilia are strong and propel the animal slowly through the water. एंड ये सीलिया जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये एनिमल जो होता है उसको प्रोपेल करते हैं, मतलब मूव कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है। और ये टीन्स जो है इसको हम सी टीन्स भी कह सकते हैं, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। और जो इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल टिशू ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो टिशूज फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कम टू द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स क्या होते हैं, जो टेंटिकल्स होता है वन पेयर होता है, वन पेयर मीन्स टू होता है, टू इन नंबर, तो टू इन नंबर फाउंड नियरर टू द एबोरल एंड ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के अपोजिट साइड में पाया जाता है और दो होता है यानी वन पेयर होता है। एंड दे आर एक्सट्रीमली लॉन्ग सॉलिड एंड रेट्रेक्टाइल टेंटिकल्स,
इमर्ज फ्रॉम द डीप सीलिएटेड एपिडर्मल ब्लाइंड पाउच और टेंटिकुलर सीथ से ये इमर्ज होते हैं, निकलते हैं, एंड टेंटिकल्स बियर शॉर्ट लेटरल ब्रांचेज और पिनी. जो ये टेंटिकल्स होते हैं इनसे लेटरल ब्रांचेज निकले होते हैं जिसे हम पिनी कहते हैं. नेक्स्ट है टेंटिकल्स पजेस स्पेक्युलर एडिटिव सेल्स कॉल लेसोसेस और इसको हम कोलोब्लास्ट कहते हैं, विच हेल्प इन फूड कैप्चर, जो कि हेल्प करता है फूड कैप्चर में. ये इसको लेसो सेल्स भी बोलते हैं एंड इसको कोलोब्लास्ट सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें निमेटोसिस्ट्स नहीं पाया जाता है और इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, लेसो सेल्स पाए जाते हैं और कोलोब्लास्ट पाए जाते हैं. और ये कोलोब्लास्ट सिमिलर होता है निमेटोसिस्ट के थ्रू, मतलब निमेटोसिस्ट जैसा ही होता है जो कि नाइडेरियन में पाया जाता है. निमेटोसिस्ट किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा नाइडेरियंस में पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है प्रे को कैप्चर करने में. बट इन केस ऑफ टीनोफेरा इसमें क्या होता है, कोलोब्लास्ट पाया जाता है कि वो भी क्या करता है, हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने, यानी प्रे को कैप्चर करने के लिए. तो ये निमेटोसिस्ट की तरह ही होता है, लेकिन ये इसमें निमेटोसिस्ट नहीं होता है, इसमें इसको कोलोब्लास्ट कहते हैं. एंड बॉडी वॉल ऑफ टीनोफोर्स की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ एन आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड सेपरेटेड बाय अ थिक जेलेटिनस मेसोग्लिया. सो बेसिकली जो इनकी ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें मेसोडर्म नहीं पाया जाता है, मेसोडर्म की जगह पे इन पे मेसोग्लिया पाया जाता है. और ये जो आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं एंड जो इनर लेयर होती है उसको एंडोडर्मिस ना करके इसमें क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, सेम एज जैसे कि आपका सिलेंट्रेटा में था. और बीच में ये दोनों जो लेयर होती हैं आपस में सेपरेटेड होती हैं, एक लेयर होता है थीक जेलेटिनस लेयर होता है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं, और ये आपका स्पंजेस में भी पाया गया था, इस तरीके की लेयर होती है. और इस लेयर को हम इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक में नहीं रखते, इसको डिप्लोब्लास्टिक में करते हैं, क्योंकि ये मेसोडर्म के जैसा नहीं है, इसमें मेसोग्लिया एक लेयर होती है जो कि सेपरेट करती है. द एपिडर्मिस इज सिंसियल एंड कंटेन्स मैनी ग्लैंड सेल्स और सेंसेशियल एंड द एपिडर्मिस इज सेंसेशियल एंड कंटेन्स मैनी ग्लैंड सेल्स सेंसरी सेल्स एंड पिगमेंट ग्रैन्यूल्स. जो एपिडर्मिस होता है इसमें आपके मैनी ग्लैंड्स होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं एंड पिगमेंट ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं. मेसोग्लिया कंटेन्स अमीबोसाइट्स. मेसोग्लिया में भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, जैसे कि अमीबोसाइट्स होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर होती हैं, मसल फाइबर्स होती हैं, सब नर्व सेल्स होती हैं. डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ टीनोफोर्स. डिप्लोब्लास्टिक विद 8 मेरिडियनल रोज ऑफ सिलेटेड बैंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्फेस एंड दीज बैंड्स कॉल्ड कॉम रोज दैट हेल्प इन स्विमिंग. तो हमने इसमें कहा था कि ये डिप्लोब्लास्टिक होता है और दे हैव टू लेयर. फर्स्ट इज़ आपका जो आउटर लेयर होती है दैट इज़ आपका एपिडर्मिस एंड इनर लेयर इज़ आपका एंड गैस्ट्रोडर्मिस एंड बीच में जो लेयर होती है उसको मेसोग्लिया कहते हैं. एंड इसमें जो होता है 8 मेरिडियनल रोज होता है, सिलिएटेड बैंड्स होती है जिसको, और दीज बैंड्स को ही क्या कहते हैं, कॉम्ब रोज कहते हैं या कॉम्ब प्लेट होता है जो कि हेल्प करता है स्विमिंग में, एंड इसीलिए इसको कॉम्ब जेली भी कहते हैं. एंड दे हैव नो पॉलिप स्टेज, इसमें कोई पॉलिप स्टेज नहीं होता जैसे कि उसमें होता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, अल्ट्रेशन ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नाइडेरियंस में, इसलिए इसमें कोई ऐसा स्टेज नहीं होता, नो पॉलिप स्टेज. एंड एबोरल सेंस ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटोसिस्ट एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम. इसमें क्या होता है कि स्टेटोसिस्ट ऑर्गन होता है जो पाया जाता है, जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है. कभी कभी ऐसे शॉर्ट्स नोट्स आ सकते हैं शॉर्ट नोट में, तो ये क्या होता है, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है जो कि बॉडी को बैलेंस करता है स्टेटोसिस्ट. एंड ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बायोलुमिनेसेंट होते हैं, यानी ये लाइट एमिट करते हैं. प्रेजेंस ऑफ जेली लाइक मेसोग्लिया विद मसल सेल्स एंड मेसोडर्मल ओरिजिन. ये जो जेली लाइक मेसोग्लिया होता है इन मसल सेल्स का जो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है. एंड प्रेजेंस ऑफ फेरिंस और स्टोमोडियम सर्व एज अ साइट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इसमें स्टोमोडियम पाया जाता है जो कि क्या है, एक आपका गैस्ट्रिक कैविटी ओरल कैविटी होता है. एंड डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज आपका इंट्रा सेलुलर होता है. प्रेजेंस ऑफ 4 डाइजेस्टिव कैनाल्स विद 2 एनल पोर्स एंड दीज पोर्स आर यूज्ड फॉर द
डिस्चार्ज ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, इसमें टू एनल पोर पाए जाते हैं जो कि यूज़ होते हैं एज एन अनडाइज जो कि एज एन वेस्ट जो होता है बॉडी का, उसको डिस्चार्ज करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है. एंड देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड एज वेल एज सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स सिस्टम नहीं होता है इसमें. एंड ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं. हर्मेफ्रोडाइट्स मीन्स एक ही बॉडी में आपका मेल एंड फीमेल पार्ट होता है, फीमेल सेक्सेस होते हैं. एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें एक्सटर्नल होता है, और ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं एंड प्लांकटोनिक भी होते हैं. एंड इसमें कोई भी इसके लाइफ साइकिल में जो लाइफ साइकिल होती है इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वा फॉर्म होता है इसमें. एंड जो इसमें लार्वा होता है उसको सिडिपिड लार्वा कहते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. एंड आगे और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, वो हम जब एफिनिटीज ऑफ टीनोफोर्स डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे. सो नेक्स्ट कम टू द एफिनिटीज ऑफ टीनोफोर्स, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं अदर फाइलम से. लाइक आपका जो इसके पीछे वाला जो फाइलम है वो आपका नाइडेरियन सिलेंट्रेटा आता है, एंड इसके बाद वाला जो फाइलम है टीनोफोरा, नाइडेरिया के बाद आपका टीनोफोरा आता है, टीनोफोरा के बाद आपका प्लेटीहेलमिंथेस आता है. तो उन दोनों से क्या सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे. तो एफिनिटीज विद नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा से क्या एफिनिटीज़ हैं, तो हैविंग स्ट्रॉन्ग बाई रेडियल सिमेट्री होती है, एंड ओरल एबोरल एक्सेस भी पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है एंड एब्सेंस ऑफ सिलोम, इसमें ए सिलोमेट होते हैं, यानी इसमें सिलोम ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता है. एंड मेड्यूसा लाइक बॉडी विद अ जिलेटिनस मेसेनकाइमल मेसोग्लिया पाया जाता है, सेम एज जैसे कि उसमें पाया जाता था नाइडेरिया में. प्रेजेंस ऑफ स्टेटोसिस्ट जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, दोनों में पाया जाता है, प्रेजेंट इन बोथ. एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दोनों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं इन बोथ द केसेस. नेक्स्ट कम टू द जो क्लासेस हैं, लाइक नाइडेरियन में जो सिलेंट्रेटा है उसकी जो क्लासेस हैं, लाइक आपका हाइड्रोजोआ है, हाइड्रोजोआ से क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, तो सिलेंट्रेटा से जो सिमिलैरिटीज़ है वही हाइड्रोजोआ से भी होगा, तो कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी हो सकते हैं. जैसे कि इसमें सिंपल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाया जाता है, एंड थिक जेलेटिनस मेसोग्लिया पाया जाता है, एंड टू अपोजिट टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि सीथ में जो है उसमें टू अपोजिट टेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी वन पेयर. एंड ये यहाँ पे आप बॉडी डिज़ाइन देख सकते हो, यहाँ पे जो टीनोफोर्स की बॉडी डिज़ाइन है यहाँ पे किस तरीके से होता है. ये प्लूरोब्रैकिया है, यहाँ पे प्लूरोब्रैकिया है, ये आपका ओरल और एबोरल दो पोल होते हैं, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया. तो ये है आपका ऊपर वाला, एक नीचे वाला है, ऊपर वाले को ओरल और नीचे वाले को एबोरल कहते हैं. तो माउथ रीजन जो होता है आपका यहीं पे होता है, एंड जो आपका एनल पोर है ये आपका एबोरल पार्ट्स में है, और इस तरीके से स्ट्रक्चर है आप ड्रॉ कर सकते हैं और हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर, पहले तो अंदर वाले पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर हम बात करें एबोरल साइट में क्या क्या है, आपका एपिकल ऑर्गन यहाँ पे है, और एनल पोर भी है, टू पोर होते हैं यहाँ पे, ठीक है. और ये जो आपका ये पार्ट निकला हुआ है, ये वाला जो ये सीलिएटेड पार्ट है, ये आपका इस तरीके से प्रोजेक्शन है जिसमें, इसको हम कह रहे हैं टेंटिलम, इसको टेंटिलम कह रहे हैं. एंड टेंटिकल्स बेस आपका इधर है, यहाँ पे ये टेंटिकल बेस है, और ये आपका टेंटिकल है इधर, टू पेयर ऑफ वन पेयर टेंटिकल, यहाँ पे दोनों तरह आप देख सकते हो, ये वाला टेंटिकल है और इसी से ये जो स्ट्रक्चर निकला है प्रोजेक्शन, इसे टेंटिलम कहते हैं. यहाँ से दो टेंटिकल निकला हुआ है इस तरीके से. एंड ये जो आपका भी मैं बता रही थी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको कहते हैं टीन या सीटीन कह सकते हैं, टीन्स कहते हैं, जो कि कॉम्प्लीट लाइक स्ट्रक्चर होता है. और यहाँ पे ये कॉम्ब्रोज हैं, ठीक है, ये कॉम्ब्रोज हैं, और ये आपका फेरेंस है, ये माउथ रीजन है, और मेरिडिनल कैनाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है. तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो. टेंटिकल आपने देख लिया जो जो हमने डिस्कस किया था,
और ये टेंटिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये टेंटिकल का बेस है जहाँ से ये निकल रहा हुआ है, दो टेंटिकल और ये टेंटलम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एफिनिटीज विद एंथोजोआ, जो कि एक क्लास है सीलेंट्रेटा का ही। अ वेल डेवलप स्टोमोडियम होता है एंड रिलीज ऑफ गैमेट्स थ्रू माउथ एंड सेलुलर मेसोग्लिया होता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस फ्रॉम नाइडेरिया, क्या क्या डिफरेंसेस होता है दोनों में। तो अगर बात करें नाइडेरिया फाइलम और इससे टीनोफोरा में क्या क्या डिफरेंस है, पहला तो प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट, नाइडेरिया में कॉम्प्लेट्स नहीं पाए जाते हैं लेकिन आपका टीनोफोर्स में पाए जाते हैं। नो टेंटिकल्स अराउंड माउथ, इसमें कोई भी टेंटिकल माउथ के आसपास नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट, इसमें कोलोब्लास्ट होता है जबकि नाइडेरिया में नेमेटोसिस्ट होता है। एनोबोरल सेंस ऑर्गन होता है, मेजेनकाइमल मसल्स होती हैं और इसमें प्लानुला लार्वा नहीं होता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंस ऑफ सिलिपिड लार्वा होता है, ठीक है। एबसेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है। एबसेंस ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई भी टीनोफोर्स में कोई भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मीन्स कि पहले सेक्शुअल ए सेक्शुअल होगा फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, लाइक आपका नाइडेरिया में जैसे पॉलीपर मेड्यूसा फॉर्म होता है, इसमें कोई नहीं होता है। एंड एनल पोर होता है, प्रेजेंस ऑफ एनल पोर, इसकी वजह से ये डिफरेंट होता है फ्रॉम नाइडेरिया। नेक्स्ट आपका एफिनिटीज़ विद प्लेटी हेलमिंथीसा, जो कि टीनोफोर से ऊपर आता है फाइलम। ये क्या क्या है सिमिलैरिटीज इसके साथ, तो इसमें अगर हम बात करें तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है। क्या होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है दोनों की। एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकमोशन होता है, सिलिएटेड एपिडर्मिस होता है एंड लोब्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है दोनों फाइलम में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एफिनिटीज ऑफ रोटीफेरा का डिस्कस करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।